भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बहुत सारे सम्मानित अतिथि देखो आपको संबोधित करने, आपसे मुताबिक होने आए हैं, तो मैं हमारे सभी किसान भाइयों के साथ साथ हम भी आप सभी का सर स्वागत करते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि रासायनिक खादों के अत्यधिक और इम्बैलेंस यूज से हमारी भूमि जो है वो प्रदूषित हो रही है, खराब हो रही है। तो इसके लिए अपनी भूमि को, खेती को बचाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से इफ्को द्वारा नए नए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इफ्को द्वारा यूरिया के विकल्प के रूप में, रासायनिक यूरिया, दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में इफ्को नैनो यूरिया तरल जो है वो आपके लिए इफ्को द्वारा आविष्कार किया गया। बड़े गर्व का विषय है कि पूरे विश्व में, भारत में आपकी सहकारी संस्था इफ्को के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। तो ये जो हम यूज करेंगे, तो हमारी जो उपयोग करेंगे, हमारी भूमि जो खराब हो रही है वो नहीं होगी। आप लोगों को पता भी होगा कि कहते हैं पंजाब से डेली एक ट्रेन बीकानेर जाती है जिसमें इतने कैंसर के मरीज होते हैं कि उसको कैंसर ट्रेन कहा जाने लगा। और वो सब रासायनिक खादों के, रसायनों के अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग के कारण होता था। आज के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का आगमन हो चुका है, अभी बहुत ही जल्दी कुछ ही पलों में आपके बीच में होंगे। हमने आप सभी को आज अवगत कराया है कि इस विशेष अवसर पर बहुत सारे अन्य बहुत ही विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जिसमें विशेष तौर पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी का भी आगमन हो चुका है, और उसी के साथ बहुत सारे हमारे माननीय सांसद, बहुत सारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। हमारी संस्था इफ्को के चेयरमैन माननीय श्री दिलीप संघानी साहब, हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी समेत बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे निदेशक मंडल के वरिष्ठ सदस्य मांगीलाल डांगा साहब, श्रीमती श्रेया गुहा जी सहित बहुत सारे अन्य विशिष्ट जन यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अभी सभी से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी अपने रिक्त स्थान पर बैठ जाएं। अभी दाहिनी की तरफ कुछ कुर्सियां मुझे लगती हैं किनारे की तरफ खाली हैं। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि उन कुर्सियों पे अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। आज का ये कार्यक्रम एक विशिष्ट रूप का कार्यक्रम है, जहां पे आपको सहकार किसान सम्मेलन, यानी सहकार से किसानों की समृद्धि का रास्ता अगर किसी व्यक्ति ने खोजा है और देश के सामने प्रस्तुत किया है, वो हमारी महान विभूति हैं माननीय श्री अमित शाह साहब। वो खुद आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे सहकारिता के माध्यम से हमारे किसान भाई समृद्ध हो सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ करके सहकारिता के माध्यम से हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते बल्कि पूरे देश के ही उन्नति में अपना योगदान कर सकते हैं। ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम पे आप सभी माननीय अतिथियों, माननीय हमारे भाइयों बहनों और हमारे धर्माचार्य हमारे दाहिनी तरफ विराजमान हैं, उन सभी का आशीर्वाद हम सबको आज मिलेगा। इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में
जो लोग हमारे बीच में पधारने वाले हैं उसमें हमने बताया श्री अमित शाह जी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, हमारे चेयरमैन श्री दिलीप संघाणी साहब, श्री राजेंद्र सिंह राठौर साहब नेता प्रतिपक्ष, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे बीच में राजस्थान के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब मंच पर पधार गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें मित्रों। हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्वी राजस्थान के किसानों के मजदूरों के गरीबों के नेता आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब मंच पर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जौनपुरिया जी पधार रहे हैं, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में दौसा के लोकसभा की सांसद आदरणीय जसकोर मीणा जी पधारी हैं, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में भाई जितेंद्र जी गोठवाल प्रदेश उपाध्यक्ष पधारे हैं, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब पधारे, इनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस बहुत ही गौरवशाली क्षण में मैं सबसे पहले यहाँ के स्थानीय भूत सांसद जो पहले हमारे सांसद थे लोकप्रिय सांसद श्री मान सिंह गुर्जर जी अपना विचार रखेंगे 5 मिनट में। श्री मान सिंह गुर्जर जी नाम पकड़ दिया मेरा। आप सभी से आग्रह है मंच के सीधे हाथ की ओर जो है उल्टे हाथ की ओर लोग खड़े हुए हैं, सीधे हाथ की ओर कुर्सियां कुछ है, आप लोग यहां पर विराजे, सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय अमित शाह जी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आ रहे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यवस्था को बनाए, इस तरफ की कुर्सियों पर आकर विराजे। भारत माता की, भारत माता की। आज गंगापुर की पावन धरा पर यहां पर जो सहकार किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के आयोजक इफको कंपनी और सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं और उन्हीं के साथ में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब। हम सबके चिरपरिचित और पूर्वी राजस्थान में नहीं पूरे प्रदेश और देश में किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, स्टॉक सवाई माधोपुर के सम्मानीय सांसद
सुखबीर सिंह जी, जौनापुरिया जी, करौली धौलपुर के सांसद, सम्मानीय मनोज राजौरिया जी, दौसा की सांसद सम्मानीय बहन जसकौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और खंडार से पूर्व विधायक रहे सम्मानीय जितेंद्र गोठवाल जी, भाई रमेश जी मीणा साहब पूर्व विधायक टोडा भीम, मंच पे विराजमान सभी हमारे सहकारिता इफको कंपनी के मैनेजमेंट के साथी और इस विशाल पांडान में विराजमान किसान भाइयों, सहकारी क्षेत्र से जुड़े भाइयों, माता और बहनों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। एक बार माननीय अमित शाह जी के लिए जोरदार ताली बजा करके पावन धरा पर स्वागत करने का काम करें। भाइयों, राजस्थान के इतिहास में एक अनोखा कार्यक्रम जो सहकारिता क्षेत्र से किस प्रकार से सहकारिता को मजबूत करते हैं, इस माध्यम से किसान को मजबूत किया जा सकता है, हमारे मजदूर को मजबूत कर सकते हैं, माँ बहन को मजबूत करने का काम और उनके रोजगार परक योजनाएं चला करके सहकारिता के माध्यम से जीवन को, जीवन यापन को, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का काम माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने देखा है। जैसा आप सब जानते हैं, माननीय अमित शाह जी का सार्वजनिक जीवन सहकारिता से शुरू होता है। अपने समय में वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जीएसएस के अध्यक्ष रहे और आज पूरे देश में इस सहकारिता में किस प्रकार के नए प्रयोग किए जाएं, किस प्रकार के नवाचार किए जाएं कि हमारे किसान की उन्नति हो सके, उनका जीवन यापन ऊंचा हो सके, माँ बहन हमारी रोजगार के साधनों से जुड़ करके अपने आप को मुख्य धारा में ला सके, इस सपने के साथ में इफको कंपनी ने जिस प्रकार का सहयोग करने का काम किया है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, जिस प्रकार का सहकारिता का क्षेत्र है वो सहकारिता का क्षेत्र केवल हमारे जीएसएस से शुरू होकर के क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से किसान को जो ऋण देने का काम करता है, राजस्थान के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो सहकारिता का ढांचा था उसको नेस्त नाबूद करने का काम किया, किसान को जो 1.5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण मिलता था वो बंद कर दिया, नई सोसाइटियों को अनुदान बंद कर दिया, किसान को खाद भी समय पर नहीं मिले इसकी कभी चिंता नहीं करी, इसको कभी दिलाने का काम नहीं किया। आज आप और हम माननीय सहकारिता मंत्री का स्वागत करते हुए ये उम्मीद करेंगे कि हमको उनके उद्बोधन के माध्यम से एक नई दिशा मिलेगी और आप और हम उस रास्ते पर चल करके इस सहकारिता को मजबूत करेंगे। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे, जय गंगापुर, जोर से लगाओ जय गंगापुर, धन्यवाद। इसके उपरांत हमारे लोकप्रिय नेता, यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से निवेदन है, वो आए और अपनी उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें।
माननीय जयप्रिया जी। आज की इस सभा में हम सबके बीच जिन्होंने इस देश का इतिहास बदला हो, इस देश का इतिहास रचा हो, ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने खुद अपनी कलम से 370 और 35 ए का हटाने का काम किया हो, ऐसे सूरवीर आज गंगापुर की धरती पर आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। उन्हीं के साथ हमारे कोटा के सांसद और आप सबके लाडले माननीय ओम बिरला जी, लोकसभा के स्पीकर, हम सबके बीच प्रतिपक्ष के नेता माननीय राजेंद्र जी राठौर साहब, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण और सम्मुख बैठे मेरे सभी आसपास के गांव के दूर दराज से आए हुए प्यारे किसान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब के लिए एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है कि जिस आदमी के लिए आज मैं मानता हूं, जिन्होंने पूरे विश्व का एक डंका बजाया हो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ऐसे शख्स आज हमारे बीच में आए हैं, हम सबको बहुत खुशी हो रही है। लगातार भारत का किसान आबाद होता जा रहा है। साथियों, हम सब भली भांति जानते हैं, आज जिस हिसाब से इफको ने जो आज खाद की पूर्ति करते हैं, अभी नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, आज उनके सहकारिता मंत्री होने के नाते हम सबके बीच में पधारे हैं, मैं आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। आप सब भली भांति जानते हो किसान के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने अनेकों योजनाएं दी हैं, हम भली भांति जानते हैं कि किसान की इनकम डबल करने के लिए अनेकों प्रयास आज किए हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि किसान सम्मान निधि आज 6,000 रुपये साल की देकर देश के प्रधानमंत्री ने वो गौरव का काम किया है, ताकि मेरा किसान मजबूत हो। आज किसान के फसल खराबे का जो 50% से घटाकर 33% किया है, आज मैं समझता हूँ किसान को मजबूत करने का काम किया है। आज फसल खराबा भी मिलने लगा, बीमा का पैसा मिलने लगा, इक्विपमेंट भी मिलने लगा, और आज किसान के लिए 2000 से लेकर 5000 तक की भेड़ बकरी तक भी 1 करोड़ तक का लोन, जिसमें 50% की सब्सिडी हो गई है, वो भी मिलने लगा है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर में एक एक जिले के अंदर में करीब 3,000 करोड़ रुपए के करीब आज किसान को मिल रहा है। साथियों, मैं समझता हूँ तार फेंसिंग के लिए आवारा पशु से किसान इतना परेशान था, हताश था, लेकिन वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने लागू करके आज आपको तार फेंसिंग का पैसा भी दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के साथ साथ आज नरेगा में अनेकों चीज आपकी लागू कर दी है, ताकि किसान कैसे मजबूत हो सकता है। साथियों, मैं भली भांति जानता हूँ आज प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश की गवर्नमेंट सिर्फ ये बात चाहती है कि ताजा ताजा घोषणा कर और इस देश को, प्रदेश को लूटना चाहती है। ताजुब इस बात का है कि आज शाम को लाइट मिलती नहीं है, डीपी मिलती नहीं है, रोज आपके फोन खुलते हैं, अधिकारियों को बताते बताते हम खुद परेशान हैं कि फिर भी वो कहते हैं डीपी आई नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने जिले के नाते 194 करोड़ रुपए देकर हर जिले को देश के प्रधानमंत्री ने बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, जो आज से पहले कभी नहीं कर सकते थे। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि मैं 100 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, 2000 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया, आप एक बात कर दो, 100 यूनिट फ्री छोड़ दो, आप कम से कम जब शाम को रोटी खाते हैं, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस टाइम लाइट दे दो, ताकि मेरा बुजुर्ग रोटी खा सकता हो, मच्छर ना खाए, मेरे आदमी को बुखार ना चढ़े, मेरे बच्चों को लाइट मिल जाए, वो पढ़ाई कर सकता हो, कम से कम इतना काम तो कर दो। 100 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, बिजली चाहिए। आज डीपी के फूके हुए, एक एक महीने हो गए डीपी फूकी हुई है, लेकिन डीपी की योजना नहीं है। आज हमें कह सकते हैं कि 33 केवी का सब स्टेशन, 11 केवी का सब स्टेशन, और किसान के लाइट के लिए हर एक किसान के कनेक्शन पे एक एक कैपेसिटर दे रहे हैं, ताकि किसान की ट्रिपिंग खत्म हो जाए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने
30,000 करोड़ रुपए आज जल जीवन मिशन में दिया हुआ है। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज 40% पैसा प्रदेश की गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, उसमें तो पैसा दे नहीं रही, आप 300-300 रुपए किट बांटने लग रहे। आज मैं कहना चाहता हूं हर घर को नल से जल मिल जाए, वो काम करके दे। आज मैं सौभाग्यशाली हूं आप सबके सामने कहूं, देश के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने 4,623 करोड़ इस देश के लिए चारों तरफ पैसा बांटा है, लेकिन मेरे जिले के लिए 4,623 करोड़ रुपए, हर घर को नल जैसे जल देना और चंबल का पानी हर घर तक पहुंचाएगा। एक बार जोरदार तालियां दी है ताकि देश के मंत्री ने जिस साहब का काम किया है। साथियों, ईआरसीपी पे बार बार जिक्र आता है, अभी माननीय मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज से पहले कभी इतनी घिनौनी हरकत नहीं हुई थी। आज हमारे मंत्री जी आए थे, परसों जिस हिसाब से मंत्री जी का हमने स्वागत किया और जो लोकल विधायक ने जो हरकत की है, मैं समझता हूँ इससे जो घिनौनी हरकत कभी नहीं हो सकती। कोई भी आता है सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी रीति रिवाज है सम्मान करने की, लेकिन जिस साहब का काला क्रम वहाँ किया, मैं समझता हूँ इसका आज तक किसी आदमी ने नहीं किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ ईआरसीपी का आप भली बात ही हमें बताया, लेकिन फिर भी हम आज कहना चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया आज एक काम करो, आपको अनेकों योजनाएं दे रखी हैं, आप 40% पैसा अपना देना काम कर, 60% पैसा हमारा काम है देना, एक घंटे में ला के दे देंगे। बार बार ये बात कहते हैं कि 25 सांसद क्या कर रहे हैं, आज 25 सांसद ये कर रहे हैं, आज 25 सांसदों की वजह से आपकी पंचायतें चल रही हैं, आज पंचायत में 75% पैसा तो है मोदी का और 25% पैसा है स्टेट का। आज सारी योजनाएं आप जो सबको दे रहे हैं, आज मेडिकल कॉलेज आया तो देश के प्रधानमंत्री दिया, आज सबसे बड़ी बात यह उनका पैसा तो दे नहीं पा रहे, नहीं रोज किट बांट के जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब। अब मैं श्री जितेंद्र गोठवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। बोलो केला मैया की, गणेश जी महाराज की। मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय राजेंद्र राठौर साहब, हमारे क्षेत्रीय सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी, हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, धौलपुर करौली सांसद आदरणीय मनोज राजौरिया जी, दौसा की सांसद जसकोर मीणा जी, हमारे पूर्व विधायक मानसिंह जी और मेरे सामने बैठी हुई वो ग्राम की जनता, वो लोग जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं अपने अपने गांव से चल के, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, राम राम साहब। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश के गृह मंत्री जी हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने आए हैं और उनके मन में एक ही भाव था कि सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, यहां के लोगों से जाकर मिलकर अपने मन की बात कहूं। मैं आप सबको धन्यवाद तो देता ही हूं, साथ में आपसे निवेदन भी करता हूं मित्रों कि हम सब गांव में किसान काम, किसान के काम से जुड़े हुए हैं, हमें अच्छी तरह ध्यान में है कि आज गांव की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, मेरे से वरिष्ठ नेता आपको अवगत कराएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बड़े मन से यहां पर आए हैं और ये मन बनाकर जाएं कि यहां से सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, इस पूर्वी राजस्थान से किसको उखाड़ के फेंकना है, जोर से एक बार, किसको उखाड़ के फेंकना है, किसको उखाड़ कर फेंकना है। धन्यवाद मित्रों,
माननीय राठौर साहब से, माननीय करोड़ीलाल जी से, माननीय जौनपुरिया जी से आग्रह करूंगा, इस ओर जाकर मंच पर कुछ संत विराजमान हैं, उनका श्रीफल और शॉल देकर उनका अभिवादन और स्वागत करें। धन्यवाद मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष अवसर पर मैं यहाँ हमारे डॉक्टर मनोज राजौरिया जी जो सांसद हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। मंच पर विराजमान राजस्थान के वरिष्ठ नेता, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, राजस्थान के जनसंघर्ष के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले आदरणीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुखबीर जौनप्रिया जी, यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री मानसिंह गुजर जी, दौसा की सांसद बहन जसकोर मीणा जी, यहाँ हमारे बीच में विराजमान प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र गोठवाल जी, यहाँ विराजमान हमारे रमेश मीणा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और गंगापुर सवाईमाधोपुर करौली जिले से पधारे हुए सभी माताओं बहनों युवा साथियों बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम, बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, मोदी जी ने जिस तरीके से किसानों की उन्नति के लिए नए नए प्रयोग किए और आज आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ही चंद्रमा पे भी बहुत बड़ा यान उतारा था, ऐसे सपने देश को इतनी आगे ले जाने का कोई मादा रखता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना एक तरफ देश की उन्नति को विश्व में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचाने वाला पहला देश हो गया, इसी प्रकार से एक तरफ आसमान छूने का और चंद्रमा छूने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। एक मेरी माताएं बहनें बैठी है, आपको याद होगा 2014 से पहले किस तरीके से माताएं बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए भी देते सड़कों के किनारे पे, खेतों पे सुबह शाम सोच के लिए जाती थी और इनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता था। बहनें इंतजार करती थी कि कब अंधेरा हो और कब हम सोच के लिए जाएं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन बहनों की पीड़ा समझी और आज एक भी कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मेरी माताएं बहनों को बाहर जाने का पड़ता होगा, प्रत्येक घर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने माताओं के लिए शौचालय बना दिया। दोस्तों, चाहे माताओं के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे किसानों के लिए नैनो यूरिया जो आप देख रहे हैं हमारे इफ्को के वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट और रिसर्च के द्वारा जिस तरीके से सहकारिता के माध्यम से आम आदमी की जिंदगी में सबको जोड़कर सरकार के फायदों को घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम सहकारिता मंत्रालय बनाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और उस सहकारिता मंत्रालय का काम भी देश के सबसे योग्य और प्रभावी मंत्री जो देश के गृह मंत्री भी है श्री अमित शाह जी को दिया, ताकि सहकारिता के माध्यम से किसानों को, बहनों को, माताओं को, आम जन के जीवन में भी बड़ी खुशियां वो ला सके। और आज इफ्को के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, और आज जो FPO आपने सुनोगे, स्वयं सहायता समूह सुनोगे, उनके माध्यम से किसानों के जीवन में, माताओं के, बहनों के जीवन में, युवाओं के जीवन में नई रोशनी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बोलने के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, हमारे बीच में बड़े बड़े लोग मंच में हैं, आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान के माने हुए नेता, युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले सड़कों के साथ में ये राजस्थान विधानसभा में जोरदार तरीके से अपने गरीबों की आवाज उठाने के लिए, राजस्थान की आवाज उठाने के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले परम सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी भी हमारे बीच में हैं। तो मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से श्री राठौड़ साहब का भी स्वागत सम्मान करें और मैं आग्रह करूंगा कि भारत माता की जय के साथ में राजेंद्र राठौड़ जी का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। श्री आदरणीय राठौड़ साहब,
उसके बाद मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राजेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि आकर के हम सभी को संबोधित करें। माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब से निवेदन है, आएं और अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। आज का दिन इस गंगापुर सिटी के लिए ऐतिहासिक दिन है। यहाँ के किसानों से संवाद करने के लिए, इस राष्ट्र के गृह मंत्री, आधुनिक लौह पुरुष जिनके प्रयास से जम्मू कश्मीर के पैरों में कई दशकों से पड़ी जंजीर कटी, जो इस मुल्क में ब्रिटानिया हुकूमत में बने कानूनों को, हमारी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए जिन्होंने नया इतिहास रचा, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में गंगापुर सिटी की इस धरा पर आए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस देश के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा के अध्यक्ष हमारे अपने ओम बिरला जी भी आज इस सभा को संबोधित करने आए हैं। यह पहला मौका है राजस्थान के अंदर सहकार से जुड़े हुए किसानों के सम्मेलन का आज संवाद होगा। आत्मनिर्भर भारत के अंदर आत्मनिर्भर खेती कैसे हो, फसल के उत्पादन में वृद्धि कैसे हो, हमारे किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने का कोशिश की कब किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। भाइयों, आपको याद होगा 27 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी सीकर पधारे थे और उन्होंने पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की थी। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज राजस्थान के अंदर 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खाते में बिना मांग किए हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने 16,500 करोड़ रुपए की विशाल राशि भेजी है। एक और हमारा किसान सहकारी के कर्ज के कारण हैरान है, परेशान है। राजस्थान की सरकार ने जिस कर्जे माफी की बात कही, आज वो दूर की कौड़ी साबित हो गई। उसी बीच में भारत सरकार बिना मांगे किसानों के सम्मान के लिए निधि देती है, आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात भी है। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लिया, अनुसूचित बैंकों से लोन लिया, राजस्थान की सरकार ने कहा हम ऋण को माफ करेंगे, और अब जब सरकार आचार संहिता के नजदीक जा रही है, अब सरकार कह रही है केंद्र सरकार इन ऋण को माफ करे, किसान ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। इस 3 लाख 3.5 लाख किसान पर 6,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण आज 12,000 करोड़ रुपए हो गया। मैं समझता हूं कि राजस्थान वो भाग्यशाली प्रदेश है, पूरे देश में मृदा कार्ड जारी हुए थे राजस्थान की धरती सूरतगढ़ से, आज 22 करोड़ किसानों के पास उनकी जमीन के स्वास्थ्य कैसा उसके मृदा कार्ड है। हमें खुशी इस बात की भी है कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बाजरा हम उत्पादित करते हैं, केंद्र की सरकार ने 2350 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे की एमएसपी तय की। केंद्र सरकार ने बार बार पत्र लिखे परंतु एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। राजस्थान का किसान जो देश का
64% बाजरा उत्पादित करता है उससे महरूम रहा। धन्यवाद देना चाहेंगे हम केंद्र सरकार को, हमारे सहकारिता मंत्री जी को, जिन्होंने सरसों में एमएसपी की खरीद को 25 क्विंटल प्रति परिवार से बढ़ाकर 40 क्विंटल किया, चने की एमएसपी की मात्रा बढ़ाई, पर दुर्भाग्य रहा कि किसान अपनी फसल बेचने आया, राजस्थान की सरकार ने पूरा प्रबंधन नहीं किया। भाइयों, आज जिस प्रकार की हालात बनी है, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर किसान और किसानी के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के बीच में ये सहकार किसान सम्मेलन हमारे सब के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आ रहा है। आज राजस्थान के अंदर इस वक्त खेत में बिजली की आवश्यकता है, और बिजली की कटौती किसी से छुपी हुई नहीं है। राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, बिजली तारों से गायब है, बिजली के बिलों में जरूर करंट आता है। और हमें धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने यूरिया जो सीधा फैक्ट्री में चला जाता था अन्न निर्माण के लिए, पहले नीम कोटेड यूरिया का इजाद करके राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यूरिया का उपयोग खेत में हो उसकी ओर मार्ग बढ़ाया, अब नैनो यूरिया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर इससे किसान की बहबूदी बढ़ेगी। मैं तो इस अवसर पर यही कहूंगा, अब 40 दिन बचे हैं आचार संहिता के, सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और इस सरकार ने इस किसान और किसानी के लिए जो कुछ किया आपके सामने है। अब हमारे सामने मत की पेटी से सरकार पैदा करने का वक्त आया है। किसान और किसानी के लोगों को जिस प्रकार की जलालत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ा, और जिस प्रकार किसान और किसानी के साथ अन्याय हुआ, वो भी आपके सामने है। ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि आज का मंच सजा है, लोकसभा के अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे, हमें संदेश देंगे, और आधुनिक चाणक्य जिन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल डाला, आज कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जिनके कारण से 165 साल पहले ब्रिटानिया हुकूमत में जो कानून बना था, जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता बनी थी, उन दंड और प्रक्रिया संहिता को बदलने का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा, अब वक्त आ गया है समीक्षा करने का, देखने का। ये गंगापुर की धरा क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहाँ कई प्रकार के सगुपे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कई प्रकार की थोथी बातें की बात कर रहे हैं, हमें इन सारी बातों को देखना है। आने वाले समय में मोदी जी के हिंदुस्तान को बनाने के लिए, मोदी जी के राजस्थान को बनाने के लिए, और जो डबल इंजन की सरकार को बनाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, दूर दूर से चलकर किसान आया है, खेत में काम है, उसके बाद भी किसान आया है। मैं उनका सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्षण बहुत ही नजदीक है जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, और जिनको पूरा देश सुनना चाहता है और देखना चाहता है। आज का अनूठा कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, नाम है सहकार किसान सम्मेलन। आपको कुछ सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बड़ा प्रिय लग रहा है, और आपको भी ये प्रिय लगेगा। प्रिय लगने के पीछे केवल एकमात्र कारण है, और वो एकमात्र कारण है कि हमारे किसान भाइयों को सहकारिता के माध्यम से जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो उनकी उन्नति हो सकती है, उसका आज शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे लोकप्रिय, हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह साहब, हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आपके बीच में हैं, जिनको आप सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। सभी लोग खड़े होकर के अभिवादन करें, ताली बजा करके, और इज सहकार किसान महासम्मेलन नहीं है, ये सहकार किसान महाकुंभ के रूप में परिणित है।
आज इस विशिष्ट अवसर के ऊपर भारत माता की, भारत माता की, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, ओम बिरला जी को जय श्री राम, बिरला जी को जय श्री राम। माननीय मुख्य अतिथि से मेरा निवेदन है कि वो कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह है कि वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। आप लोग थोड़ा शांत चित्त होकर के बात सुने। आज का यह विशेष अवसर सहकार किसान सम्मेलन माननीय मुख्य अतिथि जी की परिकल्पना के आधार पर है और वो परिकल्पना है देश के 88% किसानों को लक्ष्य करके उनकी उन्नति करना है और उसके लिए सभी कुछ सुविधाएं अब सहकारिता के माध्यम से किसानों को मिल रही हैं और मिलने वाली हैं। अभी वो दीप प्रज्वलन करके उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और ये बहुत ही एक विलक्षण क्षण है जब तमाम अवरोधों के बाद आप इतनी भारी संख्या में हमारे भाई बहन हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज एक बहुत ही ऐसा अवसर है, जितने लोग आप अंदर हो उससे आधे लोग बाहर हो और इस तमाम अवरोधों के बाद हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी को अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए आए हैं जो आज सहकार के माध्यम से किसानों की खुशहाली का रास्ता आपको देंगे और साथ ही किसानों को कैसे समृद्ध किया जा सके इसके बारे में आपसे बात करेंगे। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी और हमारे साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी भी पधारे हुए हैं। मैं अपने चेयरमैन साहब दिलीप संघानी साहब को और अपने प्रबंध निदेशक डॉक्टर अवस्थी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको पुष्प गुच्छ साल और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करके और स्वागत करने की कृपा करें। दोनों हमारे अतिथि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय को हमारे अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय पुष्प गुच्छ साल और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें। और ये भी देखिए सम्मान हो रहा है और एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान हो रहा है जो सहकारिता का युग पुरुष है और जिसकी अटूट संकल्प शक्ति से देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि की आज ये सम्मान सही मायने में हमारे किसान भाइयों का सम्मान है, हमारे सहकारिता से जुड़े हुए बंधुओं का सम्मान है, हमारे जवानों का सम्मान है, हमारे किसानों का सम्मान है। इसके बाद हमारी संस्था जिसके 35,500 से अधिक हमारी सहकारी समितियां सदस्य हैं और 4,60,00,000 सदस्य हैं हमारी किसान से किसान हमारे सदस्य हैं, उनकी ओर से इफ्को के हमारे कर्मचारी और उनकी ओर से हमारे किसान भाइयों की ओर से और सहकारिता की ओर से एक बड़ी माला इन्होंने बनाई है। बड़ी माला पहनाएंगे माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को और उसके बाद यहाँ राजस्थान का प्रसिद्ध साफा पहनाएंगे और माला पहनाएंगे। हम अपने कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि देश के 35,500 सहकारी समिति और हमारे 4,60,00,000 किसानों की ओर से आप हमारे मुख्य अतिथि हमारे विशिष्ट अतिथि को सम्मानित करने के लिए मंच पे आने की कृपा करें। हमारे कर्मचारी अधिकारी जो हमारे स्टेट मैनेजर हैं श्री सुधीर मान जी, हमारे जो है दूसरे जो हमारे साथी हैं जो साफा पहनाएंगे और साथ में सभी की ओर से एक सम्मान स्वरूप एक माला भेंट करेंगे। विशिष्ट अवसर है और इस विशिष्ट अवसर पर आप सभी लोग इस अवसर पर कम से कम तालियां बजाइए। आज इतना अवसर है, सुखद अवसर है, विलक्षण क्षण है। जो लोग बाहर भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुन रहे होंगे और इस कार्यक्रम के बारे में सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि और के नेतृत्व में हमारे सहकारिता के माध्यम से
देश के 88% लघु और सीमांत कृषकों को लक्ष्य किया गया है, जिनकी उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और सदैव नई नई योजनाएं बना करके सभी को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। और उसी में हमारी एक संस्था है सहकार भारती प्रकाशन। सहकार भारती प्रकाशन ने एक पुस्तक बनाई है जिसका विमोचन होना है। संजय पचपोर साहब से मेरा निवेदन है कि पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि और हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि के हाथों से कराने की कृपा करें। और वो पुस्तक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के बारे में लिखी हुई है, जो सहकारिता से ओतप्रोत है और जो एक क्रांतिकारी उत्पाद हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जो हमारे माननीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश में देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, उनका भी इसमें आप उल्लेख पढ़ेंगे। पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये पुस्तक सहकार भारती द्वारा बनाई गई है और इस पुस्तक के विमोचन के बाद हम सबके कुशल नेतृत्व, निष्कुशल निर्देशन करने वाले, हमारी संस्था को विश्व के शीर्ष पे पहुंचाने वाले हमारे प्रबंध निदेशक माननीय डॉक्टर अवस्थी साहब हम सभी को संबोधित करेंगे, जिनके कुशल निर्देशन में, कुशल मार्गदर्शन में और कुशल अनुश्रवण में हमारी संस्था बहुत आगे बढ़ रही है और किसानों के लिए नित नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। डॉक्टर अवस्थी से अनुरोध आए और अपनी बात रखने का कृपा करें। धन्यवाद। सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, हम सब लोगों के मार्गदर्शक माननीय श्री अमित शाह जी, इफ्को के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी जी, सम्माननीय मंच, हमारे किसान भाइयों और बहनों, सहकार भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज इफ्को की तरफ से 35,500 सोसाइटियों की तरफ से, 4 करोड़ किसानों की तरफ से, मैं माननीय आपके गंगापुर सिटी के आगमन पर आप लोगों का सबका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि, इस दिशा में जो कार्य आपके मार्ग निर्देशन में सहकारिता में हो रहा है वो अभूतपूर्व है। और एक ये वो भारत है जिसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं और जिसके गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी हैं जो आपके राजस्थान के ही हैं, जहां दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति न जा सका, वो चंद्रयान पर माननीय मोदी जी के भारत के नेतृत्व वाले भारत ने दुनिया में सबसे पहले दक्षिण ध्रुव में अपने रॉकेट को उतार दिया और दुनिया पूरी दुनिया अचंभा रह गई। ये वो भारत है जो विज्ञान का भारत है, ये वो भारत है जो आविष्कार का भारत है, ये वो भारत है जिसका नेतृत्व माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इसी भारत में इफ्को ने उर्वरक में रसायन समाप्त करने के लिए नैनो फर्टिलाइजर का आविष्कार किया, देश का आविष्कार है, देश में निर्मित है, उसके बारे में एक किसी प्रकार की भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई तो उसे समझना चाहिए कि नए भारत का है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और जिसकी सहकारिता की कमान माननीय श्री अमित शाह जी के नाम की। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश से जो रसायन का,
जो रसायन उर्वरक से जो नुकसान हो रहा है, जो हमारी मिट्टी को हो रहा है, जो हमारे वातावरण को हो रहा है, उसको समाप्त करने की दिशा में हम लोग कृत संकल्प हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप संघानी, एक कोऑपरेटिव का बड़ा नाम, जो सभी प्रकार की सहकारी समितियां में उनकी भागीदारी है, ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनका योगदान है, और विशेष रूप से इफ्को के लिए और हमारे एनसीआई के लिए भी, एनसीआई के चेयरमैन हैं, इफ्को के भी चेयरमैन हैं, उनकी विशेष भूमिका रहती है हमारी आगे उन्नति करने में, हमें विश्व के शीर्ष पर पहुंचाने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। माननीय चेयरमैन साहब से अनुरोध है, आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। सहकार से समृद्धि, वो स्लोगन नहीं, एक मंत्र दिया है प्रधानमंत्री और हमारे माननीय सहकार एवं गृह मंत्री अमित भाई शाह ने। उनको सफल बनाने के लिए मंच पर उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, पार्टी के अध्यक्ष, हमारे विपक्षी नेता, सांसद मीनाबेन और आप सब भाइयों बहनों माताओं, आज राजस्थान की भूमि से जो किसानों के हित में और कोऑपरेटिव के माध्यम से जन समूह के हित में केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, आज तक अलग मंत्रालय नहीं था लेकिन एक सफल और सबल नेतृत्व सहकारी क्षेत्र का मंत्रालय माननीय मोदी जी ने अमित भाई शाह को दिया है, इसलिए मैं मोदी जी का भी आभारी हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार क्या कर सकती। जब मैं नाफेड़ में वाइस चेयरमैन था, तब नाफेड़ बंद हो स्थिति में आ चुका था, कांग्रेस की सरकार में बड़ा कोभांड हुआ था करोड़ों रुपये का, और एडमिनिस्ट्रेशन उन पर आने की फर्चा में जाने की नौबत आ चुकी थी। हम कोऑपरेटिव टीम के साथ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मिले, पूरी बात बताई, तो किसानों के हित वाली संस्था को इस तरह से डूबने नहीं चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो मदद की, नाफेड करीब 7 साल से पर ईयर 100 करोड़ का घाट में था, 150 से ज्यादा कर्मचारी इस्तीफा देके चले गए थे, और डिविडेंड तो करीब 8-10 साल से नहीं मिला था। उसी दिनों में मोदी जी ने जो मदद की और आज नाफेड मुनाफा करने लगा, 15-20% तक डिविडेंड देने लगा। इस स्थिति में सरकार ने जो मंशा थी कि किसी हाल में कोऑपरेटिव के माध्यम से, जो सहकारिता के माध्यम से किसानों की मदद हो रही है, उनको जिंदा रखना नहीं, उनको और मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, मुझे ये बताने में खुशी है, अभी लास्ट वीक नाफेड का बोर्ड मिला और उन्होंने, सरकार ने जिस तरह से नाफेड को जिंदा करने की मदद की थी, नाफेड ने फैसला किया, देश में कई कृषि उत्पादन विदेश से हम आयात करते हैं, उसी आयात को बंद करके देश का पैसा जो बाहर जा रहा है उनको बचाना है। किसानों को एक पोर्टल पे जो बुआई करेगा, जो आयात चीज है उनके लिए उन पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो बोने के पहले उनको क्या प्राइस मिलेगा वो नाफेड पहले से बताएगा, और इसी प्राइस से जो किसान बुआई करेगा वो परचेस
नाफेड कर लेना, जिससे विदेश पैसा जा रहा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाए, ऐसा फैसला इस तरह कर पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की वजह से जो देश में कोऑपरेट के माध्यम से किसानों के हित में जो माहौल बना है, हम किसान का बेटा है, गर्मी के दिनों में चाहे भी खेती कर ले, अच्छे से अच्छे बीज लगा दे, बारिश आए और लास्ट में यदि मौसम खराब हो जाए तो मेहनत कितनी भी होगी लेकिन वो बीज से अच्छा फल नहीं आ पाएगा। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में एक माहौल बना है सहकारिता और कृषि के क्षेत्र में, और इनकी वजह से नाफेड ये फैसला कर पाई है कि अगले दिनों में किसानों की फसल जो बोएगा वो नाफेड के पोर्टल पर आएगा और पूरी परचेज करने के लिए नाफेड की तैयारी हो चुकी है। मैं मानता हूँ इनके लिए केंद्र सरकार जिस तरह से अमित भाई शाह के नेतृत्व में कॉपरेट को मदद कर रहा है, पैक्स के माध्यम से 3 सोसाइटी अलग बनाने से देश की इस सहकार से समृद्धि वो मात्र स्लोगन नहीं रहेगा, एक मंत्र बन जाएगा। इसी मंत्र से देश की समृद्धि को हम हासिल करेंगे। ईश्वर उनकी हमारे पर कृपा करे सफलता के लिए, ये प्रार्थना के साथ वंदे मातरम। अभी जिनकी प्रतीक्षा आपको थी अपने लोकप्रिय नेता की, जो इस सहकार किसान सम्मेलन नहीं किसान सहकार महाकुंभ में आप आकर के हमारे भाई बहनों ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है और आप उनको सुनने के लिए प्रेरित हो रहे होंगे, जिनके नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से किसानों का बहुत बड़ा भला हुआ है और होने वाला है। ऐसे युग पुरुष हम सबके प्रिय माननीय श्री अमित शाह जी से मेरा निवेदन है, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और एक सच्चे जन सेवक हैं, जननायक हैं, उनको सुनने के लिए आप आतुर हैं, बात तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग स्वागत करें। और मैं उनसे बड़े ही मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? सवाई माधोपुर गंगापुर वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सहकारिता से समृद्धि के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के ही धरती पुत्र श्रीमान ओम बिरला जी, इफ्को के चेयरमैन श्रीमान दिलीप सांगाणी जी, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे तीनों संसद सदस्य, जरा खड़े हो जाइए भाई, खड़े होकर राम राम करो सबको, तीनों संसद सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता मीणा जी, किरोड़ीलाल जी खड़े हो जाइए, किरोड़ीलाल जी, इफ्को के एमडी हमारे अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित सारे कोऑपरेटिव लीडर और श्री क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी का आज इस सहकारिता सम्मेलन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक केसरिया भूमि पर
मैं आप सभी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के धुंधेश्वर महादेव, माधव गोविंद मंदिर और बालाजी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आज मैं यहां आया हूं तब हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय वेद गोविंद सहाय जी को भी नमस्कार करना चाहता हूं, उनको याद कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर चले जाएंगे। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मैं यहां आया तब, सारे लोग बैठ जाइए भाई, उनकी ओर मत दिखिए, बैठ जाओ सारे लोग। सारे किसान भाइयों को मेरा निवेदन है, बैठ जाइए। 2-4 जने हैं, निकल जाएंगे थककर, उनको नारे लगाने दीजिए। कोई वहां नहीं जाएगा भाई, कोई वहां न जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। इस समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मित्र, मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूर नहीं आती। मित्रों, राजस्थान में आया हूं, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है, इप्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे।
तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारना में छिपे हुए अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता, जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जो जाए दो दो हाथ। माताओं भाइयों बहनों, एक कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था, जोर से बोलो कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी 251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी। और गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, जोर से ताली बजाना, 1400 रुपया से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरसों की एमएसपी 3050 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 5400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आज इपको 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, मैं यहां आता था, बीच में काफी किसान खड़े थे स्वागत में, मैंने गाड़ी खड़ी रखी,
तो एक किसान ने कहा, साहब हमारे राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। मैंने बोला, भाई बिजली में क्या प्रॉब्लम है, अब तो पूरे देश में बिजली है। तो दूसरे ने कहा, एक और बिजली मिलती नहीं है और दूसरी ओर बिजली की खरीदी में धांधली हो रही है। हर चीज पर किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं, ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में एक बार 51-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है। डाली है या नहीं डाली है भाई? अरे जोर से बोलो, डाली है या नहीं डाली है? 24 में चुनाव आ रहा है, मैं पूछने आया हूं सारे किसान भाइयों बहनों को, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो चाहते हैं जोर से हाथ ऊपर कर नारा लगाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? आप 24 के पहले, अरे सुन लिया यार, जोर से लगाओ जरा, मित्रों आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है। 24 में तो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? सभी की सभी सीटें देंगे? 23 में भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और सभी सीटें जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में मैं एक बात कहता हूं, घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे, समझ गए ना? लाल डायरी का कलर मत रखना। मेरे साथ बोलो, वंदे वंदे वंदे। अभी आपने बहुत ही प्रेरक, बहुत बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रेरणा से ओतप्रोत, ओज से परिपूर्ण एक उद्बोधन सुना जो सभी के लिए प्रेरक है। हम सभी उसको संबद्ध करते हुए अपने माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भारत माता की। आज हमारे बीच में सहकार से समृद्धि की ओर पूरे भारत को ले जाने वाले, जिन्होंने अपना जीवन सहकारिता आंदोलन से किया, माननीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आए, मैं ताली बजाकर सबसे अभिवादन करने के लिए आग्रह करता हूं। साथियों, इस देश में सहकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें देश के किसान, मजदूर, नौजवान और माता बहनों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है।
और इसीलिए सहकारी आंदोलन को देश के हर राज्यों में पहुंचाना और सहकारी आंदोलन के माध्यम से समाज के जीवन में परिवर्तन करने का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लक्ष्य बनाकर काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जहां गांव में बैठा किसान उसके जीवन को आर्थिक परिवर्तन करने का काम किया तो सहकारी आंदोलन ने किया। पहले जब किसान खेती करता था तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था, लेकिन यह सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य है, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में गुजरात में मिलता है। आज गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां के पशुपालों की जिंदगी पलटी है। एक डेयरी अमूल डेयरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। इसलिए किसान आंदोलन हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे मत्स्य क्रांति हो, हर किसान के जीवन और आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे बीच में महिलाएं बैठी हैं, इन महिलाओं को गांव में दो हाथ से काम करने का, दो टाइम की रोटी का इंतजाम हो सकता है तो सहकारी आंदोलन से हो सकता है। इसलिए गांव में मेरा आपसे आग्रह, सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे किसानों को एक साथ सम्मिलित खेती करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली बंबई कॉरिडोर से इस गंगापुर का किसान, सवाई माधोपुर का किसान सुबह फल उगाएगा, सब्जी उगाएगा और दिल्ली और बंबई के मार्केट में बेचाने का काम करेगा तो आर्थिक स्थिति बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाकर सहकारिता के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया है, अमित शाह जी ने जो गांव-गांव के अंदर जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है उस ग्राम सेवाकारी समिति को स्वावलंबन बनाकर गांव के अंदर ही एक ग्राम सेवाकारी समिति फैक्स के अंदर सारी सुविधाएं एक छत पर मिल जाए, किसी किसान मजदूर बहन नौजवान को परेशान न होना पड़े, ये आने वाले समय में हो रहा है। और इसीलिए सहकारिता के अंदर अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, सहकारिता में पारदर्शिता लानी है, सहकारी का कुप्रबंध लाना है तो एक ऐसे राज्य को लाओ जो सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता ला सके और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के किसानों को 0% पर बिना लिमिट के ऋण मिल सके, तब भारत के अंदर और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। आज यहाँ बड़ी संख्या में आए, मैं सभी किसान भाइयों को, इपको के चेयरमैन साहब को और सभी नेता को और विशेष रूप से सहकारिता के प्रति जो समर्पण भाव है उसके लिए मैं अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूर दराज में आके सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। अभी इसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव है, फिर राष्ट्रगीत होगा, आप लोग बैठ जाएं। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री रमेश चंद मीणा, पूर्व अध्यक्ष ट्राइफेड एवं पूर्व विधायक से अनुरोध करूंगा कि आए हुए सभी हमारे किसान भाइयों बहनों और मंचस्थ लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके बाद हम सभी लोग एक साथ राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद किसान से भारत के स्वाभिमान से।